फरुखाबाद थाना मदरुआ दरवाजा क्षेत्र के गांव पखियन की मड़या में बिजली की चिंगारी से फूस की झोपड़ियों में अचानक आग लग गई। आग इतनी तेज थी कि देखते ही देखते दर्जन भर घर जलकर खाक हो गए। वहीं गांव वालों ने बताया कि आग लगने के बाद फायर सर्विस को फोन किया गया, लेकिन फायर सर्विस की गाड़ी समय से नहीं पहुंची, जिस वजह से गांव वालों ने इंजन चलाकर आग पर बामशक्कत काबू पाया, लेकिन तब तक पूरी गृहस्थी जल चुकी थी। मोहम्मद आरिफ, कितने घरों में आग लगी और कै बजे लगी और कितने घर लगी, कैसे लगी, कितना कितना नुकसान हुआ? ये तो पता नहीं कैसे लगी। यहाँ हम लोग जब घर से आए तो यहाँ हमने देखा आग जल रही हुई थी, तो यहाँ आग में ठहरा नहीं जा रहा था वो, अथवा गाड़ी को फोन करा, गाड़ी तो बहुत देर में आ पाई। यहाँ हम लोग आधी बुझा चुके हैं, लेकिन यहाँ तो एक गाड़ी, पहली बार तो एक गाड़ी यहाँ होना चाहिए तहसील के पास। कोई अथवा अगर कोई काम अगर होता है तो यहाँ तो गाड़ी मौके पे तो मिलेगी। करीबन डेढ़ घंटे के बाद गाड़ी आई, ठीक है, और 10-12 घर जले हुए हैं, उधर अंदर भी जले, इधर बाहर भी जले हुए हैं, और यहाँ पे गेहूँ करीबन 30-35 बोरी इस घर में जल गई, 20 बोरी उस घर में जल गई, टाली जल गई, माल जेवर था वो सब जल गया, कुछ नहीं बचा। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल एबीएन समाचार को और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि हम चाहते हैं आप रूबरू हो देश प्रदेश की हर छोटी और बड़ी खबरों से।